हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज नवरात्रि के लिए जो स्पेशली व्रत रखते हैं या फलाहार करते हैं उनके लिए या नॉर्मल व्रत के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये रेसिपी के लिए हमें चाहिए कच्चा केला, मैंने यहाँ पे 3 ठो ले लिया है, और बेसन, ग्रीन चिलीज को चॉप करके लिए है, यहाँ पे 20 सारे निकाल दिए है, और जीरा पाउडर, थोड़े से सेंधा नमक, यह नमक स्पेशली व्रत में खाते हैं, और फाइनली देसी घी। ये एक बहुत हेल्दी रेसिपी है, जो फलाहार करते हैं या जो व्रत रखते हैं इस नवरात्रि में ये जरूर ट्राई करें, और आप लोगों को भी जो रेसिपीज है जरूर शेयर करें मेरे कमेंट सेक्शन पे। ये देखिए, इस तरीके से केले से हमने सारे छिलका निकाल दिया है। सारे केले से छिलका निकाल कर अब इसको बॉईल करेंगे। अब केले के पीसेस को बॉईल करेंगे। बॉईल होने पर अच्छे से उसको मैश कर लेंगे। ये देखिए बॉईल हो गया है, मैश भी कर लिया है हमने। अब इस पे 2 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज एंड थोड़े से सेंधा नमक, सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। केला और बेसन से एक अच्छे सा डो बना लेंगे। अब हम केले का टिक्की प्रिपेयर कर लेंगे। इसको आप केले का टिक्की बोल सकते हैं या केले का कबाब बोल सकते हैं। ये देखिए सारा टिक्किया हमारा रेडी हो गया है। अब पैन पे घी ले लेंगे। घी गर्म होने के बाद सारे टिक्कियों को अच्छे से सौते करेंगे, 4 से 5 मिनट तक सौते करेंगे। ज़्यादा देर तक हमें यहाँ पे फ्राई नहीं करना है, क्योंकि केला हमारा पहले ही बॉईल हो चुका है। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे टिक्कियों को। इस बार नवरात्र में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत हेल्दी होता है। बहुत ही कम समय पे ये रेसिपी रेडी हो जाती है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई है, अब इसको पैन से निकाल लेंगे। ये रहा हमारा शानदार केले की टिक्की। तो दोस्तों, मेरे लेटेस्ट वीडियोस के लिए अपना नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय।